कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है। और आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ SBI क्लर्क जो कि 2018 का जो फॉर्म आया है तो उसमें जो आपका नया सिलेबस है और नया पैटर्न हो चुका है आपके एग्ज़ाम का, तो किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे देता हूँ। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इस साल का SBI क्लर्क में, तो यहाँ पे अब दो पेपर होगा। पहले क्या था कि आपका 200 का मात्र वन पेपर होता था जिसमें कि 40-40 क्वेश्चंस हर एक सेक्शन से मैथ, रीजनिंग, GK, इंग्लिश, कंप्यूटर, बैंकिंग अवेयरनेस से पूछे जाते थे। किंतु इस बार ये पैटर्न चेंज होकर PT और मेंस के रूप में बदल गया है और यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द सिलेक्शन प्रोसेसर विल कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एंड टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, ठीक है। और जो है यहाँ पे जो आपका टेस्ट जो PT में होगा वो 100 मार्क्स का दिया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस होंगे और टाइम ड्यूरेशन आपको 20 मिनट्स आपका दिए जाएंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस होंगे यानी मैथ के, और वहाँ पे आपको 20 मिनट्स ही दिए जाएंगे। मतलब यहाँ पे सेक्शन वाइज आपको टाइमिंग भी दिया जाएगा, ये नहीं है कि आप इंग्लिश में कम टाइम दें या ज़्यादा दें और दूसरे सेक्शन में ज़्यादा या कम, ऐसा नहीं है। आपको टाइमिंग दिया जाएगा, ड्यूरेशन दिया जाएगा टाइम का। इंग्लिश आपको 20 मिनट में बनाना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी 20 मिनट में बनाना है और रीजनिंग एबिलिटी भी आपको 20 मिनट में ही 35 क्वेश्चंस बनाने हैं। तो PT के लिए 100 नंबर मतलब 100 मार्क्स के होंगे और जो कि निगेटिव मार्किंग भी होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको टाइमिंग पे बहुत ही ध्यान देना होगा क्योंकि पहले का जो एग्ज़ाम था उसमें टाइम ड्यूरेशन बटा हुआ नहीं था, ओवरऑल 60 मिनट आपको दिया जाता था, लेकिन इस बार क्या है आपके 20-20 मिनट्स में तीन भाग में आपको दिए जाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक नया चेंजिंग है। और दूसरा नया चेंजिंग है मेंस का सिलेबस। अगर आप PT क्वालिफाई करते हैं तो मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो याद रखना है PT में आपको मात्र इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग पे ही फोकस करना है। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 35-35 मैथ रीजनिंग के और 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा मेंस का जो नया सिलेबस है, नया पैटर्न है, उसके बारे में बता दूं। और ये देखिए जो आपके मेंस का जो एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड आपका जो पैटर्न है इस बार का जो होगा वो है यहाँ पर। तो जनरल एवं फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल मतलब आपका GK GS से रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गए, बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया, तो वहाँ से 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के, और टाइमिंग आपको 35 मिनट्स दिए जाएंगे। उसके बाद जनरल इंग्लिश का जो है 40 क्वेश्चंस होंगे और आपको मार्क्स भी 40 मार्क्स के होंगे और आपका टाइमिंग 35 मिनट्स वहाँ पे दिए जाएंगे। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, आपको वहाँ पे 45 मिनट्स दिए जाएंगे, और रीजनिंग एबिलिटी के 50 क्वेश्चंस होंगे और 60 मार्क्स के, ठीक है। कंप्यूटर और रीजनिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर को एक जगह कर दिया गया है जिसमें कि आपका 50 क्वेश्चन जो होगा वो 60 मार्क्स का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 190 क्वेश्चंस होंगे और टोटल मार्क्स 200 का होगा और टाइमिंग आपको 2 घंटे 40 मिनट का दिया जाएगा, ठीक है। 2 घंटे 40 मिनट आपको दिए जाएंगे जिसमें कि आपको स्कोर जितना हो तो हर एक सेक्शन वाइज आप भी आपको करना होगा और टाइमिंग इस बार जो है हर एक सेक्शन वाइज दिया जाएगा। ये इस साल का बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। अगर ये चीज़ आपको पता नहीं होगा तो आप वहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं, तो इसको ज़रूर आप अच्छे से एक बार सुन लें। और जो PDF है उसमें डिस्क्रिप्टिव लाइन में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो PDF लोड करके आप अच्छे से एक बार जो है ये जो भी सूचना है SBI क्लर्क का नया 2018 का वो ज़रूर देख लें, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी टॉपिक हैं कंप्यूटर के, इंग्लिश के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, रीजनिंग एबिलिटी के, बैंकिंग पर्पज़ से मैं करवाता हूं और करवाऊंगा आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ज़रूर फ़ायदा कारक होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।